Hi dear children, welcome to the Hindi session. But in this video, we'll do the letter Patra Char Din Avkash Hetu. But in the last video, we had nibandh kiya tha meri maa. Ye dekhiye beta. Meri maa. Is video, we will do patra karenge char din avkash hetu. ठीक है. सेवा में प्रधानाचार्य जी क्राइस्ट द किंग कॉन्वेंट स्कूल सुजानपुर श्रीमती जी. बेटा देखो कोई कॉमा कुछ भी नहीं है कहीं पर, सीधा हमने ऐसे लिखा है. निवेदन है कि मुझे घर में ज़रूरी काम पड़ गया है, कृपया करके मुझे चार दिन का अवकाश प्रदान करें. धन्यवाद. आपकी शिष्या, गर्ल्स लिखेंगी आपकी शिष्या, बॉयज लिखेंगे आपका शिष्य. नाम लिखेंगे अपना, कक्षा लिखेंगे तीसरी, जो भी बेटा आपकी क्लास है वो आपने लिखनी है तीसरी, और साथ में ए वाले अ लिखेंगे, बी वाले ब लिखेंगे, सी वाले स लिखेंगे और डी वाले ड लिखेंगे. ठीक है. और यहाँ पर डेट मैंने ये डेट डाली हुई है पहले से, आपने जिस दिन आप काम करोगे आपने वो वाली डेट डालनी है. समझ में आ गया. फिर से बेटा मैं समझा रही हूँ. पत्र है बेटा ये, जैसे इंग्लिश में आप एप्लीकेशन लिखते हो ना, लीव एप्लीकेशन, उसी तरह से चार दिन अवकाश हेतु मतलब चार दिन के लिए चाहिए. सेवा में प्रधानाचार्य जी क्राइस्ट द किंग कॉन्वेंट स्कूल सुजानपुर श्रीमती जी. निवेदन है कि मुझे घर में ज़रूरी काम पड़ गया है, कृपया करके मुझे चार दिन का अवकाश प्रदान करें. धन्यवाद. आपकी शिष्या, आपका शिष्य. नाम लिखेंगे अपना यहाँ पर, कक्षा तीसरी ए वाले अ, बी वाले ब, सी वाले स, डी वाले ड, और यहाँ पर दिनांक डेट जिस दिन आप काम करोगे, और एग्ज़ाम डे वाले दिन डालेंगे जो आप जिस दिन एग्ज़ाम दोगे. और बॉयज़ लिखेंगे आपका शिष्य और गर्ल्स लिखेंगी शिष्या. बेटा समझ में आ गई. ये आपकी लीव एप्लीकेशन थी 4 डेज़ के लिए. ये आपने अच्छे से अपनी तैयार कर लेनी है, स्पेलिंग लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत मिस्टेक्स होती हैं हिंदी में और सारे मार्क्स जो हैं मिस्टेक्स में चले जाते हैं. और उसके बाद ये काम व्हाट्सएप में आपकी क्लासेस में भी आया है, वहाँ से आपने अच्छे से अपनी कॉपीज़ में लिख लेना है. ठीक है बेटा. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय.